गुड मॉर्निंग क्लास सेवन. क्लास सेवन, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव. इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल. आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल. ए बी इज पैरेलल टू डी ई. दीज आर द टू आर्म्स, दे आर पैरेलल. बी सी एंड ई एफ, दीज आर द टू आर्म्स विच आर पैरेलल. If angle ABC is equal to 70 degree, ABC, ये angle कितना है 70 degree, then find DGC and DEF. DGC आपको एक ये angle find out करना है और DEF, DEF और एक आपको ये वाला angle find out करना है. तो हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमें given क्या है. Given है हमें AB parallel DE, BC parallel EF and angle ABC is 70 degree. ये हमें given है. हमें find क्या करना है, फिर ये लिखेंगे. DGC हमें find out करना है, यानी angle 1 find out करना है, और DEF find out करना है, यानी angle 2 find out करना है. अब हम इसे कैसे करेंगे? देखो, हमें ये दो चीज़ें given है, हम इन्हीं given चीज़ों का use करेंगे. हमें, जैसे हमने first condition को use किया, AB parallel है DE के, ए बी पैरलर डी ई. तो ए बी सी एंड डी जी सी, ये अगर ए बी डी ई के पैरलर है तो डी ई क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल, सॉरी, बी सी इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन. ए बी डी ई के पैरलर है तो बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जो इसे टू और मोर पॉइंट्स पर कट कर रही है. तो अगर ये एंगल ए बी सी 70 डिग्री है तो डी जी सी यानी एंगल वन कितना होगा, 70 डिग्री होगा. कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका डी जी सी भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा. इसी तरीके से जब आपकी बी सी ई एफ के पैरेलल है तो डी ई क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन. बी सी अगर ई एफ के पैरेलल है तो डी ई क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, जो कि इनको जी और ई पॉइंट पर कट कर रही है. अब जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन में एंगल 170 डिग्री फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर डी ई ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 एंड 2 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. देयरफॉर अगर एंगल 170 डिग्री है तो 2 भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा. यानी एंगल डी ई एफ इज 70 डिग्री. तो इस तरीके से हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाकर हम एंगल 1 एंड एंगल 2 को फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम. हमने इन फोर क्वेश्चंस में ये बताना है क्या एल पैरेलल एम के है या नहीं है. अब हमें सिर्फ हम देखने से नहीं चलेंगे, हम देखेंगे कि क्या कंडीशंस फॉलो हो रही हैं. अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपकी एडजेसेंट एंगल्स, जो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए. तो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो होना ज़रूरी है. लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या कोई भी कंडीशन इनमें फॉलो हो रही है. तो फर्स्ट पार्ट में एल एम के पैरेलल है, ये हमें दिख रहा है. क्या एक्चुअली ये पैरेलल है या नहीं है? एन क्या है, ट्रांसवर्सल. अब अगर हम यहाँ पर देखें 126 एंड 45, ये आपके क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. ये सेम साइड पर एंगल्स बन रहे हैं, सेम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर टू एंगल्स बन रहे हैं. तो अगर हम इनको प्लस करके देखें तो क्या 180 आ रहा है, नहीं आ रहा. अगर 126 और 44 को अगर आप प्लस करते हैं तो हमारे पास 170 डिग्री आता है, जबकि हमारा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए. सो एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम. इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि आपका 57 डिग्री एंड सेकेंड पार्ट में 75 डिग्री और ये 75, हमें ये दो चीज़ें गिवन है. अब हमें ये देखना है कि ये एंगल्स भी, हम यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है या नहीं, और अगर नहीं करती होगी तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है. तो देखिए, यहाँ पर एंगल 1, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 75 डिग्री, और ये 1 भी कितना होगा, 75 डिग्री. अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अगर हम इनको प्लस करें, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, तो ये 180 आ जाता है, 180 आना चाहिए. लेकिन इनको प्लस करने पर हमारा 150 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये 180 के इक्वल नहीं है,
इसका मतलब L इज़ नॉट पैरेलल टू M. ये नॉट पैरेलल को हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखिए, अब आपको ये 57 है, ये 123 एंगल दिया हुआ है, 57 और ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल वन इज़ वर्टिकली अपोजिट। अब इसका मतलब ये भी 57 है, तो फिर से वही प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल शुड बी 180 डिग्री। अगर हम इन्हें प्रेस करें तो ये 180 ही आ रहा है, इसका मतलब एल लाइन एम के पैरेलल है। फोर्थ पार्ट में 98 डिग्री एंड 72 डिग्री, फिर से ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा, यानी एंगल वन आपका यहाँ पर क्या होगा 72 डिग्री, एंगल वन ही 72 डिग्री, दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लेकिन 98 डिग्री प्लस 72 अगर हम देखें तो ये 170 डिग्री आ रहा है, यानी जो कि 180 के इक्वल नहीं है, जो कि होना चाहिए, लेकिन ये 180 के इक्वल नहीं है। इसीलिए ये जो लाइन L है, M है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आज आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। सो कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इन योर नोटबुक्स।